एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन कैसे होती है। सबसे पहले जो फैक्टोरियल को है, फैक्टोरियल को जनरली हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल की वैल्यू होती है एन इंटू में एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू ये चलते चलते थ्री टू वन तक। ठीक है, ऐसे ही जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने के लिए मैं मान के चलती हूँ एन की वैल्यू मैंने मान ली फाइव, तो फाइव फैक्टोरियल क्या होगा अपने पास, फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री टू वन। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, ये बनती है वैल्यू 120। ऐसी वैल्यू मैंने निकाल ली फोर फैक्टोरियल की, तो फोर फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं, फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू वन, ये क्या बना 24। तो इस 24 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं मान के चलती हूँ मैं 5 फैक्टोरियल बाय में 5 लिखती हूँ। कैसे, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है अपने पास 120 डिवाइड बाय में 5, वैल्यू क्या बनी अपने पास 24। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब 3 फैक्टोरियल है अपने पास, वो क्या है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, वैल्यू आती है 6। अब इसको मैं सेम इन द सेम वे मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 फैक्टोरियल बाय में 4, सोल्व करके देखते हैं 24 बाय में 4 क्या बनता है 6, वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू चेक करते हैं, 2 इंटू में 1 दैट मीन्स 2, इसको मैं सेम वे से मैं क्या लिखूँगी 3 फैक्टोरियल बाय में 3, वैल्यू क्या आती है सोल्व करेंगे तो 2। ऐसे ही 1 फैक्टोरियल को 1 मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, तो इसको सेम इस फॉर्मूले से 2 फैक्टोरियल बाय में 2 मैं लिख सकती हूँ। ठीक, अब बात आती है जीरो फैक्टोरियल की, तो जीरो फैक्टोरियल को जब मैं सोल्व करूँगी तो ऐसे जीरो मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, जीरो इस सेम वे से मैं क्या करती हूँ 1 फैक्टोरियल बाय में 1, तो वेल 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 डिवाइड बाय में 1, वैल्यू क्या आई अपने पास 1। हैंस जो जीरो फैक्टोरियल होता है वो क्या है 1। तो हमें ऐसे नहीं सोल्व करना कि जीरो इंटू में 1, क्योंकि ये तो नीचे जाती है ना, माइनस में वैल्यू जा सकती है, इसकी माइनस में नहीं जा सकती। सबसे उसके बाद कुछ बच्चों के डाउट भी आता है कि क्या हम इनकी वैल्यू फैक्टोरियल की वैल्यू माइनस में ले सकते हैं, तो चेक करते हैं माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू। ठीक है, तो माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू के लिए सेम जो अपना रूल चल रहा है अपने पास, जीरो फैक्टोरियल बाय में जीरो करेंगे, जैसे इसमें 1 फैक्टोरियल बाय में 1 किया हमने, जीरो फैक्टोरियल क्या बनता है अपने पास 1 और बाय में जीरो, ये वैल्यू क्या बन रही है अपने पास नॉट डिफाइंड। हैंस क्या पता चला, जीरो फैक्टोरियल से नीचे वाले किसी भी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हम कोई भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आती है नॉट डिफाइंड। सो जीरो फैक्टोरियल क्या आया अपने पास 1।